गाइस, तो आज हम लोग सोयाबीन का सब्जी बनाने जा रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे क्या सोयाबीन का सब्जी तो हम लोग को बनाना आता है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से आज सोयाबीन का सब्जी बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या लग रहा है, सोयाबीन हम लोग बॉइलिंग करके पानी सोख लिए हैं। उसके बाद इसमें है रेड चिली और जीरा का पेस्ट, ये ऑनियन और लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट आप लोग सोचेंगे क्यों लाल हुआ, क्योंकि जिसमें हम रेड चिल्ली का पेस्ट किए उसी में हम ऑनियन को पेस्ट कर लिए। ये आलू, तो चलिए शुरू करते हैं सोयाबीन का नया रेसिपी बनाना। तो पहले हम लोग आलू को अच्छी तरह से नमक और हल्दी से फ्राई करेंगे। तो आलू जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरा स्टेप कर लें। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम सोयाबीन को मैरिनेट कर रहे हैं। देखिए पहले मिर्च जीरा का पेस्ट डाल दिए, आप ऑनियन और लहसुन का पेस्ट। टेस्ट के हिसाब से नमक। इस रेसिपी में सोयाबीन को अलग से फ्राई नहीं करना है। सारे मसाले के साथ सोयाबीन को हम लोग अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो आलू हम लोग का अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसको पहले निकाल लेंगे। देखिए आलू इतना अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो आलू पूरा सॉफ्ट हो गया। तो उसी ऑयल में हम लोग मैरिनेट किया हुआ सोयाबीन डाल देंगे। जो मसाला इसमें लगा हुआ था बर्तन में, उसका थोड़ा सा पानी देके इसमें जो मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी लेके हम लोग मिला के इसमें डाल देंगे। तो मेरा मसाला जो बचा मसाला है वो बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग तो नमक हल्दी जितना मसाला सारे को डाल दिए, तो हम लोग को इसमें धीमे आँच में हल्का हल्का करके फ्राई करना है। पूरा अच्छी तरह से मसाला भून गया है, अब इसमें हम लोग फ्राई किया हुआ आलू मिला देंगे। अब थोड़ा चारों में थोड़ा सा पानी भूंगे। अब पानी डाल दिया हम लोग, अभी थोड़ा इसको उबालने तक इंतजार करना है। उसके बाद हम लोग का मसालेदार सोयाबीन तैयार हो जाएगा। हम लोग का सब्जी अब बन गया है, देखिए यानी ये देखिए कितना टेस्टी, एकदम मटन के जैसे लग रहा है। वाह, एक बार जरूर खा के देखिएगा बना के घर में। और प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।